दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिसको सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा और आप भी सोच में पड़ जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कौन सी है? मैं यहाँ किसी एक फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं पूरे इतिहास की बात कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको अब बताता हूँ भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कौन सी थी। नहीं पता, चलिए मैं बताता हूँ आपको। नंबर 5 पर है टाटा इंडिका और इस कार के अभी तक 15 लाख यूनिट बिक चुके हैं। नंबर 4 पर है हुंडई सेंट्रो, आपने देखी तो जरूर होगी, और इस कार की अभी तक 1.3 मिलियन यानी 13 लाख यूनिट सेल हो चुकी है। नंबर 3 पे आती है मारुति सुजुकी 800 और आपको तो पता ही है कि इस कार ने इंडिया का रुख बदल दिया था। कार्स के मामले में इस गाड़ी के आने के बाद तो पूरे इंडिया में तहलका ही मच गया था और पूरे इंडिया में कार्स की सेल अचानक से बढ़ गई और अभी भी ये चल रही है। विकिपीडिया और स्टैटिस्टिक्स के आधार पर इस कार के टोटल 27 लाख यूनिट्स सेल हो चुके हैं। नंबर 2 पर आती है मारुति ऑल्टो, ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार्स में आती है और इसीलिए इसकी अभी तक 39 लाख कार बिक चुकी हैं। नंबर 1 इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कार बिकने वाले के मामले में ये कार है जिसे आप अभी देख रहे होंगे। हिंदुस्तान एम्बेसडर इंडिया के सबसे पहले फोर व्हीलर्स में से एक था और पूरे इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में इसे पसंद किया जाता था। इस गाड़ी को किंग ऑफ इंडियन रूट्स भी कहा जाता था और लगभग 60 साल चलने के बाद सन 2005 के आसपास ये गाड़ी चलना बंद हो गई। तो अगर टाइम टेक्नोलॉजी और सोल्ड यूनिट्स को कंबाइन करके देखा जाए तो ये कार टॉप पे है क्योंकि इसकी 40 लाख सेल हो चुकी थी और हिंदुस्तान एम्बेसडर को तो उस टाइम का बेस्ट सेलर भी माना जाता था।